जय जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, वर्षा ऋतु के आने पर जिस प्रकार प्रकृति महक उठती है, वर्षा ऋतु में श्रमण श्रमणी वृंदों के नगर आगमन पर जैन अनुयायी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यही पावन ऋतु चातुर्मास का पावन पर्व लेकर आती है। देश में विविध स्थानों पर चातुर्मास आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में शाश्वत श्री शत्रुंजय महातीर्थ पालिताणा की महिमावंत धारा पर अचल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य देवेश श्री कला प्रभ सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा का चातुर्मास संपन्न हो रहा है। इस पावन चातुर्मास हेतु विगत 9 जुलाई को पूज्य गुरुवर्यों का चातुर्मास प्रवेशोत्सव संपन्न हुआ। दर्शकों, ये मंगल प्रवेश कोई सामान्य प्रवेश नहीं, बल्कि भव्य मंगल प्रवेश था। और जब ये मंगल प्रवेश हुआ तो शाश्वत श्री शत्रुंजय महातीर्थ पालिताणा की महिमावंत धारा पर चहु ओर गुरु भक्ति के रंग बिखर गए। प्रवेश की ये अद्भुत यात्रा गाजो बाजो के साथ प्रारंभ हुई। बैंड बाजे वालों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए और संघ ने कड़ी मेहनत और उत्साह दिखाते हुए इस मंगल प्रवेश को यादगार बनाया। प्रवेश के दौरान भक्तों के चेहरे पर झलक रही प्रसन्नता को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे स्वर्ग लोक से देवता पालिताणा की पवित्र धरा पर उतर आए हों। तभी तो क्या युवा क्या वृद्ध सभी दिल खोल कर झूम रहे थे। गुरुवर के आने से मन हर खायो, मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई, ज्ञान की गंगा आई, मोर पपीहा कोयल साज सुनायो। चातुर्मास स्थल में प्रवेश से पूर्व पूज्य गुरुवर्यों ने श्री शत्रुंजय महातीर्थ की तलहटी के दर्शन भी किए। पतझड़ में बसंत गुरु का आगमन, हर आंगन घर आंगन सजाएंगे। तलहटी दर्शन के बाद आचार्य श्री चातुर्मास स्थल पन्ना रूपा धर्मशाला पहुँचे, जहाँ शासन रत्न भीमराज बोहरा आदि अनेक गुरु भक्तों ने आचार्य संघ का भव्य स्वागत किया। सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देकर गुरुदेव मंचासीत हुए और अपनी मंगलवाणी से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंचरापम पराप्यहम। मंगलाचरण उपरांत मंच संचालक महोदय ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कहा गया कि यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान और शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु भगवंतों का यह चतुर्मास मिला है। बाड़मेर की यह हमारी भूमि बड़ी अहोभाग्य है कि बाड़मेर की भूमि के विभिन्न संघ पतियों द्वारा आज यह चतुर्मास आराधना का मंगल प्रवेश आयोजित हुआ है। मैं बाड़मेर की समता गुण महिला मंडल जमुना जी बोहरा से निवेदन करूंगा कि पहले आप आवे और स्वागत गीत के साथ में इस आज के कार्यक्रम को गति दे। जमुना जी बोहरा एवं समता गुण महिला मंडल की बहन है। गुरु समारा चांद सरी खा गुरु समारा चांद सरी
अभी इस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अचल गच्छ जैन समुदाय के अंदर चतुर्मास कहाँ कहाँ हैं, प्रतिवर्ष अखिल भारतीय अचल गच्छ जैन महासंघ उस सूची का प्रकाशन करता, उसी सूची को आज पूज्य गुरुदेव श्री की पावन निश्रा में अखिल भारतीय अचल गच्छ जैन महासंघ के पदाधिकारी, यहाँ संघ के आगेवान जो यहाँ पधार कर उस सूची का अभी विमोचन करेंगे। घर घर में आनंद छाया, गुरुवर है आज पधारे, मंगल चतुर्मास आया, गुरुदेव है आज पधारे, मंगल चतुर्मास आया, जय जय हो गुरुवर, जय जय हो, चरणों में वंदन हो। ये शत्रु जी की भूमि के अंदर आज ये प्रथम चतुर्मास आज हो रहा है, सबके लिए खुशी की बात है। लोनकर जी ने पहले ही कहा कि कच्छी और यहाँ तो मारवाड़ी दोनों एक दूसरे से सम्मिलित हुए हुए हैं, कि हम लोग भी कच्छ से, राजस्थान से कच्छ में आए हुए हैं, लेकिन हम सभी को एक अचल गच्छ की एक समाचारी आज मिली हुई है। और आज आनंद है कि राजस्थान के बाड़मेर के सभी संघपतियों ने जैसे के चातुर्मास का एक सौभाग्यपूर्ण लाभ ये भूमि के ऊपर आज लिया हुआ है। गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। हेलो हेलो, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। कामली का जिसका आदेश हुआ है, सोनाणी बोहरा परिवार, खेमराज जी बोहरा, भीमराज जी बोहरा और बोहरा परिवार से जो भी यहाँ है, कृपया पधारे पूज्य श्री को कामली अर्पण करने की। जय गुरुदेव। बोल श्री जिन शासन देव की जय, सन्मान अने अपमान भूली तर को उपकार करे, सन्मान अने अपमान भूली तर को उपकार करे, देवो पड़े साधु जीवन को जय जय कार करे, पावन पगला की धरती जगकार करे, जेना पावन पगला की धरती जगकार करे। हमारे राजस्थानी संघपति परिवारों का यह मेरा विशेष आग्रह है कि आप जो यहाँ आज अतिथि के रूप में हमारे पधारे, आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, पहले आपका अभिनंदन और बहुमान के साथ मैं आगे को इस कार्यक्रम को गति दूंगा। सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ अखिल भारतीय अचल गच्छ जैन संघ के अध्यक्ष महामंत्री जो आप पधारे, आप पधारे और संघपति परिवार का बहुमान स्वीकार करें। जय नम जयते शातनम, जय नम जयते शातना। अखिल भारतीय अचल गच्छ महासंघ ने अपने बहुमान के बाद अन्य संघों से पधारे पदाधिकारियों एवं समाज श्रेष्ठियों का भी बहुमान किया। जय नम जयते शातनम, जय नम जयते शातना, जय नम जयते शातनम, जय नम जयते शातना, जय हो। सम्मान श्रृंखला संपन्न होने के बाद पूज्य गुरुदेव ने सभा में उपस्थित सभी भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। भाग्यशाली आनंद का विषय है, तीर्थाधिराज शत्रुंजय महातीर्थ की पावन गोड में पालीताना तीर्थ में बाड़मेर राजस्थान के 33 संघपति
मिल करके यह चातुर्मास करवा रहे हैं। चातुर्मास का अर्थ चातुर्मास की आचार संहिता और उनके पीछे का उद्देश्य प्राय करके हर एक व्यक्ति को मालूम होता है। छकाए जीवों की जैना, छकाए जीवों की रक्षा और अपने अंतर्मुख की एक विशेष मोक्ष के प्रति यात्रा के लिए यह चातुर्मास है। और पर्युषण पर्व की पूर्व तैयारी के रूप में भी यह चातुर्मास है। भादरवा शुद्ध पंचमी के दिन हमारा आत्मा कर्म रहित बन करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करके हड़वा फूल बन जावे, ताकि नजीक के भवों में हमारे आत्मा का और हमारे साथ अनंता अनंत आत्माओं का मोक्ष सुसंभवित हो जाए। और ऐसी एक मंगलकारी शुभ भावना से पिछले कई वर्षों में गुरु भगवंतों की आज्ञा के अनुसार साधु साध्वी चातुर्मास करते हैं। पूर्व के समय में तो जहां बारिश हुआ और लगा कि अब आगे जाने से था कोई क्षेत्र नहीं है, जमीन में वनस्पति की कुपलें फूट गई है और पृथ्वी काय, अपकाय, तेवुकाय, वायुकाय, वनस्पति काय आदि की महाविराधना, भगवान की आज्ञा की आसाधना, भगवान के विरुद्ध वर्तन करने की परिस्थिति के कारण जो महाव्रत लेते थे तो वो जहां रहते थे वहां, लेकिन उसके अंदर भी अपने संयम की रक्षा हो, आरोग्य से रक्षा हो, मानसिक संतुलन हो, इन सारी बातों को और व्यवहार और निश्चय के संतुलित करते हुए कहते हैं कि ये चातुर्मास होता था। लेकिन पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो भौतिक समृद्धि बढ़ी है, उन भौतिक समृद्धि के अंदर आज से 150 साल पहले की फक्त पालीताणा की बात करो तो महाराष्ट्र से या तो अहमदाबाद से या तो कच्छ से पालीताणा पहुंचने का रास्ता कौन सा और किस प्रकार का। यहां पर सेठ केशव जी नायक की टूक है और यहां गांव में भी केशव जी नायक का धर्मशाला है। ज्ञाति शिरोमणि सेठ श्री नरसिंहनाथा की भी धर्मशाला है। जब ये टूकों की प्रतिष्ठा हुई तब बंबई बंदर से सबको घोघा मंदिर लेके आए और घोघा मंदिर से भावनगर होते हुए कहते कि छरी पालक संघ के साथ ये पालीताड़ा है। उस समय जो हमारा नाला सोपारा, जो आगासी तीर्थ, ये शत्रुंजयावतार तीर्थ कहा जाता था और पूरे महाराष्ट्र से कहते हैं कि वहां बंदर रास्ते से ये घोघा आते थे, भावनगर आते थे और पालीताड़ा आ सकते थे। उसके बीच में कितनी नदी नाड़ा, नदी पर्वत खाड़ा टेकड़ा और उसके अंदर आज जिस तरह से बसों के द्वारा, वाहनों के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा आप आ सकते, वो आना संभव नहीं था। उस समय की परिस्थिति अलग थी। कहते हैं कि गुरुदेव ने लगातार एक घंटे का जो प्रवचन दिया और जो मुते इन्होंने लिखे थे, जो 53 वर्ष का अनुभव और 53 साल तक के जो इन्होंने पोता अपने जीवन के अंदर, जो आप लोगों ने शांति से सुना, इनके लिए आपको वापस और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही गुरुदेव की एक मनोकामना रहती है कि मेरे श्रावकों को मेरी कुछ बातें बताओ और सुनने वाला होना चाहिए, और आप लोगों ने खूब शांति से सुना, इसके लिए वापस धन्यवाद। समय का बहुत ही हो चुका है, लेकिन इतनी ही बात करेंगे कि आज का चातुर्मास प्रवेश और चातुर्मास का प्रवेश का महत्व और आप लोगों को सभी को बताई है, और जिन शासन के अंदर
जो नौ कल्पी विहार और इसके अंदर एक कल्प का आज से हमारा शुरू हुआ और आठ महीने का आठ कल्प का चतुर्मास पूर्ण होने के बाद आज जिन शासन की एक महत्वता एक व्यवस्था जो चल रही है इसके दौरान एक बाड़मेर संघ के आयोजित चतुर्मास के अंदर खूब भव्याति भव्य आराधना पर चतुर्मास होगा और चतुर्मास के बाद आज लगातार सोचते हैं तो 10 या 15 सालों से ऐसी व्यवस्था हो चुकी कि दो महीने का चतुर्मास करना। पहले के समय के अंदर हर जगह भले पालीताड़ा हो कोई भी क्षेत्र में हो तो चार महीने के चतुर्मास होते थे। अभी 10-15 सालों से ऐसी व्यवस्था बनी कि जो अभी दो महीने के चतुर्मास हो चुके हैं और भविष्य मेरा ऐसा समझ में आ रहा है कि वो 8 दिन का चतुर्मास होगा क्योंकि के जीवन के अंदर धर्म आराधना करनी है लेकिन व्यवहारिक को छोड़ना, व्यवहारिक को अपने को पूरे के पूरा उनको पकड़ के रखना वो आपकी पहली जिम्मेवारी। आप समझते हो धर्म समझते हैं, मना नहीं करते हैं लेकिन धर्म को आगे वाली देना वो आपकी अभी कमजोरी पड़ रही है ऐसा थोड़ा समझ में आ रहा है और इसी समझ के मैंने भविष्य की बात बताई आपको। लेकिन गच्छाधिपति हो, आचार्य भगवंत हो कि कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत हो उनको तो चतुर्मास की चार महीने ही स्थिरता करनी है। गुरु भगवंत की आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है कि निगाहें इंतजार रहती थी जिसके एक मुदत से, निगाहें इंतजार रहती थी जिसके एक मुदत से, दिखलाया वो समा, दिखलाया वो समा। गुरुदेव कलाप्रभ सागर सुरीसुर जी महाराज साहब ने अपने इनायत से तकलीफ हुई होगी, गुरुदेव तकलीफ हुई होगी बुम्बई से पालीटान तक आने और जाने में, अचलगत संघ का कल्याण हो गया आपकी तशरीफ लाने से। गुरुदेव जयरे यहाँ चातुर्मास में आता था त्यारे कीधु में कि साहब तमे यहाँ चातुर्मास करवा माटे पधारी रहा छो तो एक नवाणु नो मौको आ वक्ते अमने आपो अने गुरुदेव ए प्रमाणे गोठवी आप्युं। एना पछी आडी घंटाग्रहण संघ थयुं कि गढ़सीसानो संघ थयो बधुं त्यारे पूरी हाजरी गुरुदेवनी અહીંયા નવાણુંમાં આજ ભવનમાં હતી નવાણુંમાં પણ પાઠ પાઠ પાઠમાં થઈને હવે મને ખબર નથી પડતી કેટલું બચે આવી મારા માટે એ મને ખબર નથી પણ આ એક નવાણુંની યાત્રા 22 નવેમ્બરના શરૂ થશે। શ્રી ગુણસાગર સુરેશ્વરજીનો જન્મ ગામ દીક્ષાગ્રામ અને કર્મભૂમિ એટલે આ તમે બધા અચલ કચ્છના સાધુ સાધ્વી એ અમારા ગામના જ કહેવા એટલે અમે અમારા ડેઢિયા ગામ વતીથી આપશ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ કે આવતું ચાતુર્માસ ડેઢિયા ગામે કરજો એ અને અમારે ત્યાં આચાર્ય ગુરુસાગર સુરેશ્વરજીની આર્ટ ગેલેરીનું કામ ફૂલ જોશમાં ચાલુ છે અને એનું ઓપનિંગ વિથ આપના હાથે કરકમરથી કરવાનું છે। તો દર્શકો કુછ ઇસ તરહ હુઆ પૂજ્ય ગુરુદેવ કા ચાતુર્માસ હેતુ ભવ્ય મંગલ પ્રવેશ હમ ભાવના ભાતે હૈ યે ચાતુર્માસ ઐતિહાસિક રૂપ સે વિવિધ આયોજનો કે સાથ સંપન્ન હો ઓર ગુરુદેવ કે સાથ સાથ અનેકો ગુરુ ભક્તો કા કલ્યાણ હો। અબ દીજીએ હમે અનુમતિ। જય જિનેન્દ્ર। Thank you.